जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। दोस्तों, फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो रही है और फोर्थ राउंड तक की काउंसलिंग के सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो अब खत्म हो चुकी हैं। फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग के लिए जो वैकेंट सीट की लिस्ट आई है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उनमें उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसके लिए सीटें हैं। वहाँ पर EWS, OP, OBC, उसके बाद SC ST ऐसे लिख करके आ रहा है, तो बहुत से बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि वो वैकेंट सीट किस हिसाब से दी है, मतलब खाली सीटें किस हिसाब से हैं और कौन कौन उन खाली जो सीटें हैं उनके लिए अप्लाई कर सकता है उस कॉलेज में एडमिशन के लिए। ठीक है, मतलब काउंसलिंग में वो कौन कौन चॉइस फिलिंग कर सकता है उस कॉलेज का नाम। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग आपको कैसे करानी चाहिए ताकि आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, इस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वैकेंट सीट के बारे में सारी बातें समझा दे रहा हूँ, तो इसके लिए हमें चलना होगा अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे। तो चलिए अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे चलते हैं। फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग के लिए जो वैकेंट सीट है वो आपको मिल जाएगी जीकप की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है gcup.nic.in। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं gcup.nic.in, ये सर्च करेंगे आप अपने मोबाइल फ़ोन की गूगल में जा कर के, तो आपको ये वेबसाइट ओपन होकर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन मिल जाएगा वैकेंट सीट फॉर राउंड 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लिंक कर रहा है न्यू करके, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये लिस्ट डाउनलोड होकर के ओपन हो चुकी है, तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझा दे रहा हूँ कि ये लिस्ट किस अनुसार से दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं ले रहा हूँ DN पॉलिटेक्निक मेरठ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DN पॉलिटेक्निक मेरठ में EW यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 7 सीटें खाली हैं, मतलब कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो छात्र हैं जिनके पास EWS सर्टिफिकेट होगा वो सात सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर दिया गया है ओपन। ओपन का मतलब है ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट, तो ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलाकर सिर्फ यहां पर 3 सीटें खाली हैं। तो यहां पर आपको सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच यदि चाहिए DN पॉलिटेक्निक मेरठ में, तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग रैंक में वहां पर ओपन का जाकर के देखना होगा कि कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। अगर रैंक जितना रैंक है उससे नीचे या उसके आसपास रैंक है, मैक्सिमम रैंक के आसपास है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आपको मे बी ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर हांडिया पॉलिटेक्निक हांडिया प्रयागराज दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए आप EW दिया गया है, मतलब कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्र के लिए 1 सीट खाली है, और ओपन यानी कि ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 4 सीटें यहाँ पर खाली हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर देख सकते हैं आप सीटें एक एक हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 1 सीट है और ओपन में 1 सीट है। नीचे आएंगे तो हमें SC ST भी देखने को मिलेगा, OBC भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो BC दिया गया है, BC का मतलब है बैकवर्ड क्लास, जो कि OBC भी जिसको हम कह सकते हैं, उसके लिए 10 सीटें खाली हैं। OP मतलब आप जान रहे हैं ओपन हो गया। EW मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। SC का मतलब SC शेड्यूल कास्ट, और यहाँ पर ST का मतलब शेड्यूल ट्राइब। तो इस तरह से आप सीटें यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। ओपन सभी के लिए है, SC और ST और OBC ये अलग अलग कैटेगरी के लिए है, मतलब OBC वाले सीट के लिए केवल OBC के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। SC का कोई स्टूडेंट है तो SC के लिए अप्लाई कर सकता है, ST का कोई स्टूडेंट है तो ST के लिए अप्लाई कर सकता है। सो आई होप आपने ये वैकेंट सीट की जो लिस्ट है उसको अच्छे से समझ लिया होगा। यहाँ पर जो ओपन लिखा गया है, मतलब ओपन जो OP करके लिखा गया है, इसका मतलब है ओपन। यहाँ पर ऑल कैटेगरीज को देखा जाता है। यहाँ पर आप अपने आप को ऐसे देखेंगे कि यहाँ पर यदि ओपन, वहां पर ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आप देखते हैं, और वहां पर ऐसा दिया गया है कि 2000 से लेकर के 4000 तक दिया गया है। तो यहाँ पर ऑल कैटेगरीज यानी कि
जनरल ओबीसी एससी एसटी जितने भी होंगे वो सभी 2000 में से 4000 तक के रैंक के बीच में जिसका भी रैंक होगा वो यहाँ पर उस कॉलेज और उस ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब वो अपने चॉइस फिलिंग में भर सकता है और उसको वो कॉलेज अलॉट भी हो जाएगा, वो ब्रांच अलॉट भी हो जाएगा यदि उससे कम रैंक वाला कोई स्टूडेंट वहाँ पर आवेदन नहीं किया होगा तो। चलिए अब जान लेते हैं कि फिफ्थ राउंड काउंसलिंग आपको कैसे कराना चाहिए ताकि आपको वो कॉलेज और वो ब्रांच अलॉट हो जाए जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग कराने के लिए सबसे पहले आपको वैकेंट सीट को देखना होगा। वैकेंट सीट जैसे मैंने आपको बताया है उस हिसाब से आप चेक करेंगे कि आपके लिए वो उस कॉलेज उस ब्रांच में सीट अवेलेबल है या नहीं। जिस कॉलेज जिस ब्रांच में आपके लिए सीट अवेलेबल होगा उसको ही चॉइस फिलिंग में फिल कीजिएगा, अन्यथा जिसपे अवेलेबल नहीं होगा उसको फिल करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसमें जितनी भी सीटें थी उस पर स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया, यानी कि उस कॉलेज उस ब्रांच में सीटें फुल हैं। ठीक है, तो वैकेंट सीट आप सबसे पहले देखेंगे। सेकंड नंबर पर आप एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि आप जिस ब्रांच और जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में आपकी जितनी रैंक है उस उतने रैंक तक के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक को देख करके। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक की जो है फैसिलिटी आपको जीकप की ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी गई है जो कि है gcup.nic.in। और ओपनिंग क्लोजिंग रैंक को समझने के लिए मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां पर आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप बड़े ही अच्छे से समझ जाएंगे कि ओपनिंग क्लोजिंग रैंक कैसे देखा जाता है। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक क्या होता है। तो ओपनिंग रैंक वो होता है कि जो उस कॉलेज और उस ब्रांच में सबसे पहले स्टूडेंट को जो एडमिशन मिला होगा वो हो जाएगा ओपनिंग रैंक, और जो स्टूडेंट को सबसे लास्ट में एडमिशन मिला होगा उस कॉलेज और उस ब्रांच में वो हो जाएगा क्लोजिंग रैंक। मतलब किसी ब्रांच में किसी कॉलेज के किसी ब्रांच में किसी पहले स्टूडेंट्स को जो जिस रैंक के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला होगा वो होगा ओपनिंग रैंक, और जो सबसे लास्ट में एडमिशन लिया होगा स्टूडेंट उसका जो रैंक हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोजिंग रैंक। ठीक है, अब ये कैटेगरी वाइज होता है। ओपनिंग ओपन का अलग होता है, उसके बाद EWS होता है मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उसके बाद OBC का होता है, SC ST का होता है। तो इसको समझने के लिए आपको ओपनिंग क्लोजिंग रैंक का वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। अगर आपने पहले से देखा हुआ है तो में कोई दिक्कत नहीं है, आप ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जा करके वहां से चेक कर लेंगे। थर्ड, आपको चॉइस फिलिंग का ध्यान रखना है कि आप जो चॉइस भर रहे हैं वो आपका आपके इच्छा अनुसार वरीयता क्रम में हो। मतलब कि चॉइस फिलिंग करते समय आपकी जिसमें सबसे प्रबल इच्छा होगी जिस ब्रांच और जिस कॉलेज में उसको आप एक नंबर पर रखेंगे, और उसके अलावा सेकंड नंबर पे दूसरा चॉइस रखेंगे, थर्ड चॉइस अपने थर्ड नंबर पर रखेंगे। तो इस तरह से आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग में आप वो कॉलेज और वो ब्रांच नहीं फिल करेंगे जो ब्रांच में आपको एडमिशन नहीं चाहिए या आपको इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिल गया लेकिन हमको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चाहिए था। तो देखिए, मिलता तभी है जब आप चॉइस फिलिंग में फिल करेंगे। चॉइस फिलिंग में आप उसका जो है चॉइस नहीं देंगे तो आपको वो कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो ये पूरी प्लानिंग थी फिफ्थ राउंड काउंसलिंग के लिए। आई होप आपको फिफ्थ राउंड काउंसलिंग की जो ये 3 पॉइंट थी वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।